बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस सेगमेंट के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 20 जिसका टाइटल है अल्टरनेटिंग करंट, इस टॉपिक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से बुक जरा ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। मैं भी जरा कैलकुलेटर मंगवा लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन साथ साथ किया जा सके। जी, कैलकुलेटर मेरे पास आ गया है ताकि हम लोग कैलकुलेशन भी साथ साथ करें। पेज नंबर 128 आप लोग ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 और न्यूमेरिकल नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 20 न्यूमेरिकल नंबर 1 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बुक ओपन कीजिए, मेरे साथ साथ देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। कहते हैं रेजिस्टर ऑफ 20 ओम्स, एक रेजिस्टर गिवन है आर 20 ओम्स। रेजिस्टर, रेजिस्टेंस रखने वाला, उसके रेजिस्टेंस को आर से लिखोगे 20 ओम्स। फिर कहते हैं इस कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ, विद अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेराड, एक कैपेसिटर के साथ 10 माइक्रोफेराड इन एन एसी। ये एसी है, ये रेजिस्टेंस है और ये इसके साथ पैरेलल में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये सिचुएशन है, सही है। कहता है क्या है ऑफ एसी सर्किट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, एसी की फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 50 हर्ट्ज। तो कहता है कैलकुलेट द टोटल इंपीडेंस, इंपीडेंस निकालिए, राइट, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, यानी इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था, आई इज इक्वल टू, इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितने का था, 90 डिग्री का, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का। तो इंपीडेंस निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, यानी पाइथागोरस थ्योरम ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर, सही है। जरा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये तो रहने दीजिए, और एक्स सी की जगह लिखा 2 पाई, पहले ओमेगा लिख लेते हैं, ओमेगा सी, ये होल स्क्वायर। फिर आपको याद होगा आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, दिस इज सी होल स्क्वायर, सही है। वैल्यू पुट कीजिए, आर की जगह 20 प्लस 1 ओवर 2 पाई, एफ की जगह 50 और सी, सी है आपके पास 10, ये इसका होल स्क्वायर। सॉल्व भी करते हैं साथ साथ देखते हैं, तो कैलकुलेटर आप भी निकाल लीजिए, आप भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले तो 20 का स्क्वायर करेंगे, इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 400 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 10 इंटू 10, फिर इनवर्स किया और फिर स्क्वायर किया। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ही आया 1.01 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। एक बार दबा आप लोग भी चेक कीजिए जरा, मैं एक दफा फिर चेक कर लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय
50 मल्टीप्लाई बाय 10 ये तो 500 हो गया, फिर 1 डिवाइडेड बाय दिस ये आ गया, इसका स्क्वायर ले लिया ये आ गया और 1.01 पावर माइनस 7 फिलहाल तो यही। अच्छा ये स्क्वायर करने के बाद है, ये स्क्वायर करने के बाद है सही है, प्लस कर लिया प्लस 400 और फिर रूट भी ले लिया, तो आई जो है वो तकरीबन 20 के ही इक्वल है। तो यहां पर देख लेते हैं क्या है, स्टूडेंट्स देखिएगा कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक क्या है जरा देखिएगा आप लोग, मैंने शायद गौर नहीं किया, ये जो हमने C की वैल्यू पुट की है, C 10 माइक्रोफेराड, सिर्फ 10 फेराड नहीं है, 10 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6 ये अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जब कैलकुलेशन से रिजल्ट आ रहा था मुझे उसी वक्त डाउट हो रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो एक्चुअल में C की वैल्यू 10 माइक्रो फैराड है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, तो ये माइनस 6 लिखना पड़ेगा आपको राइट। अब जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास अगेन 2 पाई 2 पाई ठीक है मल्टीप्लाई बाय 50 और फिर मल्टीप्लाई बाई 10 माइक्रो 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 ये आया और फिर इसका किया हम लोगों ने स्क्वायर, पहले तो इन्वर्स कर ले 1 डिवाइडेड बाय आंसर और फिर हमने किया इसका स्क्वायर और स्क्वायर करने के बाद अब आया हमारे पास 101 0.91 400 को ऐड कीजिए प्लस 400 तो ये हुआ 101 694.91 इसका रूट ले लीजिए, ये इंपीडेंस हम लोग निकाल रहे हैं, इसका रूट लिया तो ये आया हमारे पास 318.896 ओम्स। इंपीडेंस एक्चुअल में कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को बोलते हैं, तो इंपीडेंस एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही है, नेट रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट आप क्या इस्तेमाल करेंगे ओम। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1। वैसे आप लोग इसकी दोबारा कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा क्योंकि मेरे पास बुक में जो आंसर इसका लिखा हुआ नजर आ रहा है वो है 3182 यानी मेरा है 318.89, तो जरा वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि चेक कर लें कि कैलकुलेशन में कोई इश्यू तो नहीं है कि बुक का आंसर सही है या हमारा आंसर सही है। वैसे तो कैलकुलेशन की है, देख लीजिएगा आप लोग यानी कंफर्म कीजिएगा ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, कोई इश्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।